प्रयास स्वयंसेवी संस्था द्वारा हमीरपुर के हमीर होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयास स्वयंसेवी संस्था के जनरल सेक्रेटरी विजय ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में चलने वाली सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इस जन कल्याणकारी सेवा द्वारा 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने की जानकारी दी। इस अवसर पर अविनाश परमार, कोषाध्यक्ष प्रयास संस्था, संजीव राजपूत संयोजक प्रयास संस्था, जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजीव जगोता, डॉक्टर विकास, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा व युवा मोर्चा जिला आईटी संयोजक अभिषेक मनु उपस्थित रहे। विजय ठाकुर ने कहा कि कभी कभी एक छोटी पहल बदलाव की कितनी बड़ी कहानी लिख देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास स्वयं से भी संस्था द्वारा चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। ये हर्ष का विषय है कि अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास स्वयं से भी द्वारा चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को आज 3 साल पूरे हो गए। इन 3 वर्षों में इस मोबाइल स्वास्थ्य सेवा ने बिना किसी से 1 रुपया लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरू की गई इस सेवा में उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की सेवा की है। विजय ठाकुर ने कहा कि 3 सालों से बिना रुके ये मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कोने कोने में बसे गांव में लोगों के घर द्वार तक सफलतापूर्वक पहुंची है और नतीजा 5 लाख लाभार्थियों के रूप में सबके सामने है। बिना किसी से 1 रुपए लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अस्पताल आपके द्वार की सोच को चरितार्थ करते हुए ये योजना सफलता से जनसेवा कर रही है। समय समय पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा रोग आधारित मेडिकल कैंप और अभियान का आयोजन भी करती है। तो मोबाइल सेवा है, उसके 3 वर्ष पूरे हुए और इसके पीछे जो सोच थी, वो जो मार्गदर्शन था, वो माननीय हमारे भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का ये विजन था, ये सपना था कि गांवों में हर गरीब को, हर बुजुर्ग को और दूरगामी गांवों में उनको जाके उनके घर पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले। और इस सपने को हमने सफलतापूर्वक आज 3 साल पूरे किए। इसमें हमने लगभग 17 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें और 4 जिलों में, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा में इसका सफलतापूर्वक जो था वो लॉन्च किया और इस लोगों को इसके लाभ भी मिले, जिसमें हमने लगभग 5 लाख लोगों को इसके अंतर्गत इस उनके चिकित्सा सुविधा प्रदान की और कोरोना काल में भी लगभग हमने 80,000 लोगों का इसमें टेस्ट किया, उनके घर द्वार जाकर अस्पताल आपके द्वार। ये सपना था माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिसके आज सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे हुए। हमारी जो कार्यक्षेत्र है पूरा हिमाचल है और जैसे जैसे हम इसमें हमें काफ़ी सफलता और लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो हम इसको पूरे हिमाचल में ही लागू करने का कोशिश करेंगे।